क्वेश्चन नंबर 26, द पोजिशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ अ पार्टिकल दैट मूव्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 8 माइनस 4 टी क्यूब ई की पावर माइनस 0.4 टी प्लस 2 टी स्क्वेयर फीट. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज डिटर्मिंड बाय द डेरिवेटिव एक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी एंड द एक्सेलरेशन ए ऑफ टी इज डिटर्मिंड बाय द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी. Derive the expression for the velocity and acceleration for the particle and make plots of the position, velocity and acceleration as a function of time over the interval 0 to 8. Use a subplot command to make the three plots on the same page with the plot of the position on the top, the velocity in the middle and the acceleration at the bottom. Label the both axes appropriately with the correct units. Okay, fine. तो इस क्वेश्चन में इतना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे कि हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं फॉर वेलोसिटी और अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर लेंगे. लेकिन यहाँ पर जो है बजाय कि हम मैनुअली डेरिवेटिव फाइंड आउट करें जो कि हम एफएससी में करते आए हैं, यहाँ पर हम मैटलैब को यूज़ करते हैं. तो आज हम आपको एक नई कमांड सिखाते हैं जिसमें डेरिवेटिव्स आप मैटलैब से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. यूजली मैटलैब का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैटलैब हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज देता है, ये एक्सप्रेशंस को सॉल्व नहीं कर सकता अनटिल कि आप वेरिएबल को कोई वैल्यू ना दें. लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम मैटलैब के अंदर ही जो वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ टी, तो हम टी को एज ए सिंबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मेमोरी के अंदर टी जो है वो एज ए सिम्बॉलिकली टी ही सेलेक्ट होगा, ना कि उसकी वैल्यू. और देन उसके बाद हम उस सिंबल के ऊपर डिफरेंट वैल्यूएशंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर होगा डेरिवेटिव. तो हम देखते हैं कि डेरिवेटिव को हम कैसे सिंबॉलिकली कर सकते हैं. तो सबसे पहले इधर हम सर्च करेंगे तो लिखेंगे सिंबॉलिक डेरिवेटिव, तो ये यहाँ पर आ जाएगा परफॉर्म सिंबॉलिक कंपटीशन. इसके ऊपर जाएं, यहाँ पर आप सर्च करें कि वेयर इज रिटन डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव डिफरेंशिएट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन. सो दिस इज योर एग्जाम्पल कि सबसे पहले आपने कोई एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसे आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देन आप फंक्शन लिखें और उसका डेरिवेटिव लें. यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप पहले फंक्शन को किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे. तो सबसे पहले सिम्बॉलिक एस वाई एम एस उसकी कमांड है, जिस वेरिएबल को करना है दैट इज टी, फाइन डिफ्रेंशिएट डी आई डबल एफ, हम एक्सप्रेशन अंदर ही लिख रहे हैं उसके अंदर डायरेक्ट, 8 माइनस 4 स्टैटिक टी क्यूब स्टैटिक एक्सपोनेंट माइनस 0.4 स्टैटिक टी. इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक जब जैसे अमूमन हम फंक्शन लिखते हैं एरे फॉर्मेशन में तो हम अक्सर जो है पावर और मल्टीप्लीकेशन के साथ डॉट लगाते हैं, लेकिन जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो और सिंबॉलिकली वो भी, तो उसके अंदर फिर हमें कोई एक्स्ट्रा डॉट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हम एक्सप्रेशन सिंपल लिखते हैं हम उसको वैसे ही लिखेंगे एंड टी स्क्वेयर. तो दिस इज़ आवर आंसर. 40 जो 2 टी स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव उसने पहले लिख दिया है, 8 का डेरिवेटिव 0 होगा. नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है माइनस 4 टी क्यूब, इसको देखते हैं. तो सबसे पहले उसने इसको वैल्यूएट किया, माइनस 12 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वेयर. एक्सपोनेंट वैसे का वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जब सिंबॉलिकली हम कंप्यूट कर रहे होते हैं तो वैल्यूज डेसिमल्स में नहीं आएंगी, वो हमेशा आपको डिवीजन्स की फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में देगा. तो इसलिए यहाँ पर से माइनस 2 और 5 लिख दिया, तो इसकी वैल्यूएशन भी अगर आप करेंगे तो दिस विल बी माइनस 0.4. ओके, नेक्स्ट इज जो उसका सेकेंड आ जाएगा कि आपने एक्सपोनेंट को डेरिवेटिव लेना है, तो दैट विल बी माइनस ए माइनस माइनस पॉजिटिव एंड ए टी क्यूब एक्सपोनेंट माइनस टी ओवर 2t over 5 divided by whole 5. तो जब आप माइनस 0.4 को बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल बी 1.6. तो यहाँ पर 8 over 5 भी आपको 1.6 ही देगा. अब हमारा काम क्या है कि इस डेरिवेटिव को सेव करना. तो वी आर गोइंग टू सेव इन अ वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू आंसर, तो वेलोसिटी के अंदर ये सेव हो गया. अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगेन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डी आई डबल एफ इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल एक्सप्रेशन हम जैसे इसके अंदर लिख देंगे आंसर. तो ये हमारे पास अब एक्सेलेशन आ गया, तो इसको हम ए में सेव कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू आंसर एक्सेलेशन. तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए इंस्टेड के हम इसको खुद टाइप करें, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है. लेकिन अगर आपने मैटलैब में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अगर आपने जो एक्सप्रेशन है वो सही लिखा है तो फिर आपकी वेलोसिटी और एक्सेलेशन में कभी गलती नहीं होगी.
अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है पर टी जो है सिंबॉलिक है, जैसे अगर यहाँ पर टी को मैं लिखता हूँ तो यहाँ से टी ही आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चीज़ें हमने स्टोर कर लिया, लेकिन अब उसको हमने अपने मुताबिक थोड़ा सा चेंज करना है। तो सबसे पहले इंटरवल लिखेंगे, क्योंकि इंटरवल के अंदर हमें कोई कमांड नहीं बताई गई इंक्रीमेंट की, तो हम लिन स्पेस यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करना ईजी है। इंटरवल इज़ फ्रॉम 0 to 8, वी डिवाइड द पॉइंट्स इन 100 या मे बी 200 पॉइंट्स, फाइन। नाउ वी हैव टू डिफाइन वी इन टर्म्स ऑफ टी। तो मैं शॉर्ट कीज़ को यूज़ करते हुए जो वी है उसको लिखूँगा। सबसे पहले तो वी को लिख लेते हैं नाउ। वी अंडरस्कोर टी, वेट अ सेकेंड, जो वी की वैल्यू तो अंदर स्टोर हुई है उसके, तो अगर एक्सप्रेशन में देखा जाए तो उसको कैसे लिखेंगे, लेट सी। क्योंकि हमने वी को वैल्यूएट करना है टी के ऊपर और वी इज अ सिम्बॉलिक, तो अगर हमें सिम्बॉलिक को कन्वर्ट करना है वेक्टर के अंदर ताकि हम डी की वैल्यूज उसके ऊपर वैल्यूएट कर सकें, तो वी हैव टू चेंज इट। बल्कि हम जैसे कॉपी कर लेते ना, बजाय कि उसको शॉर्ट कीज में ढूंढें, तो मैटलैब में ये कॉपी पेस्ट कमांड है, हम इसको यूज़ कर लेते हैं, दिस विल बी बेटर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे इसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, चूँकि मैं नया वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जो कि सिम्बॉलिक नहीं है, वी ही सिम्बॉलिक है। वी अंडरस्कोर टी विल बी अ वेक्टर फंक्शन, तो 4 स्क्वायर टी 4 मल्टीप्लाई बाई टी, फाइन, क्योंकि स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन है, पावर के लिए डॉट आएगा, और चूंकि एक्सपोनेंट में भी टी आ रहा है तो, और शुरू में भी टी स्क्वायर है, तो दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में भी डॉट आएगा। सिमिलरली टी क्यूब एंड एक्सपोनेंट 2 * 1 टी है, तो सेम यहाँ पर भी डॉट आ जाएगा। एंड सेम गोज फॉर एक्सेलेशन, तो ए अंडर स्कोर टी, दिस विल बी, हम एक्सेलेशन को कॉपी कर लेते हैं इधर से, दिस इज अ लॉन्ग एक्सप्रेशन, ओके फाइन। चल अब इसको भी हमने चूंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो लेट्स सी। पावर चूंकि एक्सपोनेंट है, तो 2 एक्सप्रेशन के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन होगी, जिन दोनों के अंदर अगर वेक्टर आ रहा है तो हमें साथ मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, डॉट लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है 24 * 1 टी, ये तो स्केलर के साथ है, लेकिन आगे एक्सपोनेंट के अंदर भी वेक्टर है, इसलिए टी डॉट आ जाएगा। सिमिलरली पावर एक्सप्रेशन, ओके फाइन। ओके अब हमारा काम इजी हो गया, हमने टी डिफाइन कर लिया, हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास एक्सेलेशन है। हाँ, हमने जो है अभी पोजीशन फाइंड आउट नहीं की, तो पोजीशन तो हमने ऊपर लिखी हुई है, तो जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट करें, दिस विल बी एक्स अंडरस्कोर टी, पेस्ट अगेन। यहाँ पर जो है हम पावर के लिहाज से टी क्यूब एंड एक्सपोनेंट 2 t² फाइन। अनबैलेंस्ड और अनएक्सपेक्टेड पेरेंथेसिस, हाँ लास्ट में हमने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगी हुई है। नाउ जो है हमारे पास इनलाइन मैट्रिक्स मस्ट, देखा ये एक्सप्रेशन के साथ वाला जो है, एक्सपोनेंट के साथ वाला हमने डॉट नहीं लगाया तो उसने एरर दे दिया। अब हमारे पास सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, एक्स है, वी है, टी है, नाउ वी हैव टू प्लॉट। तो चूंकि हमें सब प्लॉट कमांड यूज़ करनी है, तो सबसे पहले सब प्लॉट, दिस विल बी 3 rows, 1, चूंकि मैं वेक्टर स्टाइल में लिख रहा हूँ और कॉलम स्टाइल में लिख रहा हूँ, 3, 1, एंड फर्स्ट इट विल बी एड्रेस, ओके प्लॉट t, x, चूंकि हम पोजीशन को प्लॉट कर रहे हैं, x अंडरस्कोर टी, ये काइंडली इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा वरना इस तरह गलतियाँ होंगी। नाउ वी हैव टू लेबल इट, तो x लेबल, दिस विल बी टाइम, y लेबल विल बी पोजिशन, चलें टाइम को भी हम t कैपिटल कर लेते हैं। सिमिलरली सब प्लॉट, वट इज एड्रेस, 3, 1, 2, तो नाउ सेकेंड
हम भी इसे प्लॉट करेंगे नाउ वेलोसिटी, तो वी अंडरस्कोर टी, चूँकि हमने इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है। अगेन लेबलिंग, तो शॉर्ट कमांड को यूज़ करते हुए एक्स लेबल और वाई लेबल में जस्ट हमने वेलोसिटी करना है, तो हम वेलोसिटी कर लेते हैं। सिमिलरली सब प्लॉटिंग अगेन, अब हमने एक्सेलेरेशन को करना, तो दिस विल बी अ थर्ड एड्रेस, प्लॉट टी कामा ए अंडरस्कोर टी एंड लेबलिंग एक्सेलेरेशन। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, पोजिशन और वेलोसिटी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, लेकिन एक्सेलेरेशन में देखने बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। ये अगर हम इसको मैक्सिमाइज कर लें, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क है। एट इनिशियल पॉइंट पोजिशन वॉज समथिंग अबाउट 8 or 9, जबकि उसमें इनिशियल पे वेलोसिटी हमारे पास 0 थी एंड एक्सेलेरेशन वॉज अराउंड 4 से स्टार्ट हो गए एंड सो ऑन।